मधुबनी जिले के पंडौल थाना क्षेत्र के NH 57 पर बीते शनिवार की सुबह अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दी, जिसमें वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोग गोली चलने की आवाज से दौड़े, तब तक अपराधी चार चक्का वाहन में सवार होकर मौके से भाग निकला। इसके बाद घायल व्यक्ति को उठाकर इलाज के लिए DMCH भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना में पुस्तक व्यक्ति की पहचान सरिसव पाही पूर्वी सचिंद्र मंडल उम्र 47 वर्ष के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना उस वक्त हुई जब NH 57 पर एक ट्रक खड़ी थी। उसी ट्रक के पास एक चार चक्का वाहन आया और उस गाड़ी को दो लोग नीचे उतरकर एक अपराधी ट्रक के ड्राइवर के ऊपर पिस्तौल सटा दिया और दूसरा अपराधी गाड़ी से तेल निकालने लगा। तभी वहां ड्यूटी कर रहे गार्ड ने देखा और उसे ओर आने लगा। गार्ड को आते देख तभी उसमें से एक अपराधी ने गार्ड के ऊपर गोली चला दी। इस गोली घटना में गार्ड सचिंद्र मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना की जानकारी पंडौल थाना को दी गई। सूचना पाते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले जांच में जुट गई है। ट्रक के ड्राइवर रोहित कुमार ने गोली की घटना के संबंध में बताया कि मेरे ट्रक के पास एक सफ़ेद रंग का कार आया और उसमें से एक अपराधी उतरकर मेरे सिर पर पिस्टल सटा दिया। एक अपराधी ट्रक से डीजल निकालने गया, उसी दौरान ड्यूटी पर तैनात गार्ड वहां पहुंचा। गार्ड को आते देख एक अपराधी ने उसके ऊपर गोली चला दी, जिसमें वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ड्राइवर ने बताया कि मैं ट्रक गुड़गांव से लेकर चला और पश्चिम बंगाल को जा रहे थे, तभी पंडौल थाना क्षेत्र के NH 57 पर यह घटना हुई। मधुबनी से संतोष मंडल की रिपोर्ट। क्या हुई थी मॉर्निंग में, घटना क्या हुई थी? जी सर, सुबह का टाइम था, 4:30 के बीच में हमारे गाड़ी का डीजल चोरी हो रहा था, तो खटपट होने से मैं जाग गया। जागने के बाद पता लगा कि आगे मेरे गाड़ी के आगे कार लगा था, कार सफ़ेद कलर का था, बदमाश थे उसमें, एक बदमाश चोरी कर रहा था डीजल की, एक हमारे पे पिस्टन लगाया हुआ था, जिससे मैं उठ भी नहीं पाया और हिला भी नहीं पाया, हिला चिल्ली ना कर पाया। क्या नाम हुआ आपका? जी सर, मेरा नाम रोहित है। कहाँ आप गाड़ी कहाँ चला रहे थे? गुड़गांव से ला रहे थे। गुड़गांव कहाँ जाना कहाँ था? बंगाल जाना था। क्या थी गाड़ी में? गाड़ी में कार लोड है। कार लोड है,